मुरादाबाद ठाकुरद्वार थाना पुलिस ने बीते दिन हुई चौकीदार की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन सभागार में हुई प्रेस वार्ता को बोलते हुए एएसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि बीती 15 सितंबर को ठाकुरद्वार थाना क्षेत्र के गांव बाबरखेड़ा में बने मछली के तालाब पर चौकीदार किशोर लाल हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच करना शुरू कर दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि हत्या में पकड़े गए आरोपी अंकित की चौकीदार से पुलिस रंजिश चल रही है। ये हत्या कैसे करी थी आपने? नशे में मेरे पिताजी की हत्या की गई थी। ये देश 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 की उपाधि सारी मैंने दोनों ने दाग वाग किया। अशोक बाबू जी ने किशोरी लाल ने लिखवाया। मेरे पिताजी खेती और मकान में लिखवाने के चक्कर में थे, तो साथ मेरी मम्मी और मैं कहाँ जाते, तो इस चक्कर में मैंने ये कदम उठाया। कैसे मारा? चाकू से मारा। मारने का फिर कहाँ गए? घर जी। और इसके बाद क्या करने वाले थे फिर? और किसी मंडल अशोक का कैसे पता? और भी दूसरे वाले मंडल में मेरा दूसरा टारगेट अशोक बाबू का था, तो मैं तो काम कर नहीं पाया। फिर मेरे बाबा से लड़ाई हुई, शमशानी बाबा को भी मैंने झंडे से मारा, तो भी शमशानी बाबा ने मेरे घर पर आकर के साफ गाली वाली लगी। और मैंने उसको खाने को देता था, पीने को भी देता था, लेकिन मेरे घर पर आकर कहता था बोले खाने के लिए मुझे कहे दो, गाली बकता था मोहल्ले में, तो इसलिए मुझसे बर्दाश्त भी हुई। मैंने समझाने वाला को भी मारा। वो कौन सा टारगेट था? तीसरा तीसरा टारगेट था नहीं, टारगेट एक पूरा हो गया, तीन टारगेट थे, जो दो मर्डर नहीं हो पाए, एक हो चुका था, उनको करने जा रहा था। हाँ वो जो बहुत शानदार, चलो बढ़िया, तरक्की कर बीते दिनांक 15 सितंबर को रात्रि के समय थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत रमनावाला गांव की सीमा के तहत एक तालाब के किनारे चौकीदारी कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्या अज्ञात में कायम हुआ पुलिस के लिए कड़ी चुनौती थी, इसके कोई लिंक नहीं मिल पा रहे थे और उक्त हत्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए इसमें थाना पुलिस टीम ने इस घटना का अनावरण किया है। अंकित नामक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल था वह भी बरामद किया गया है। हत्या की प्रमुख वजह अभियुक्त के पिता की जमीन का बेचा जाना, मृतक और अभियुक्त के पिता का एक दूसरे का दोस्त होना और अभियुक्त के पिता से बात करके उसकी ज़मीन को समय समय पर बिकवाता रहा है, जो हत्या का प्रमुख कारण बना। सर इसमें यह भी माना जा रहा है कि ये दो हत्याएं और कारित करने वाला था, उससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया, क्या है सर? ये नशे का मादी है, सुल्फा इत्यादि पीता है। इसमें जो इसकी ज़मीन इसके पिता ने बेची है या बैनामा की है, वह जमीन के कागजात लिखने का कार्य अशोक कातिब नाम के एक व्यक्ति हैं जो नोटरी का भी काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये लिखा पढ़ी की जाती रही। तो इसने उनको भी उसकी ज़मीन बिकवाने में एक प्रमुख भूमिका होना माना है, इस कारण उनकी भी हत्या की योजना ये बना रहा था। इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र में एक बाबा रहते हैं जिनके यहाँ ये सुल्फा पीने के लिए जाया करता था और वो मना कर दिया करते थे, जिसके कारण उनसे भी ये रंजिश रखने लगा और
पुलिस की पूछताछ में इसने बताया कि भविष्य में उनको भी मारने की योजना इसके दिमाग में चल रही थी। कितना पड़ा दिखाई सर, क्या अपराधिक रिकॉर्ड है और क्या कॉपी? इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, ये गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया और चूंकि ये एक एडॉप्टेड पुत्र के रूप में लिया गया था जो इसके पिता हैं, इसको कहीं से ले आए थे और इसको अपने दत्तक पुत्र के रूप में रखा हुआ था, लाड़ प्यार में यह बिगड़ गया रास्ते से और इसके दिमाग में आपराधिक मानसिकता पैदा हुई। सर, एलएलबी कर रहे हैं? कर ये अभी कर रहे हैं, एलएलबी का कोर्स कर रहा है।